हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ फ़ोन के लेंसेज हैं। ये यूनिवर्सल क्लिप लेंस है जो किसी भी तरह के फ़ोन या टैबलेट के साथ यूज़ किया जा सकता है। ये लेंस क्लिप का यूज़ करके आपके फ़ोन के कैमरे से अटैच होता है। इसमें फिश आई, वाइड एंगल और मैक्रो लेंस है। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर हमें क्लिप के साथ ऑलरेडी एक लेंस लगा हुआ मिलता है। क्लिप को एक साइड से प्रेस करके आप इस लेंस को कैमरा से अटैच कर सकते हैं। वीडियो में आगे देखेंगे कि इसे अटैच कैसे करते हैं। फिलहाल इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। इसके बाद बॉक्स में हमें एक और लेंस मिलता है जिसके ऊपर ब्लैक कलर का कवर लगा हुआ है। बॉक्स में टोटल हमें तीन लेंस मिलते हैं, जिसमें से दो लेंस इस एक लेंस के साथ ही अटैच है। अभी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन दो लेंस को अलग कैसे करते हैं। इसके बाद बॉक्स में हमें बड़े वाले फिश आई लेंस का कवर मिलता है। कवर का यूज़ करके आप लेंस पर स्क्रैच लगने से बचा सकते हैं और इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लास्ट में बॉक्स के अंदर हमें छोटा सा ब्लैक कलर का सॉफ्ट कैरिंग केस मिलता है, जिसमें आप इन लेंस को सेफली रख सकते हैं और अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले फिश आई लेंस को टेस्ट करके देखते हैं। इस लेंस का यूज करके आप अपने फोन के कैमरा से 180 डिग्री एंगल का व्यू देख सकते हैं। सबसे पहले इस लेंस को क्लिप के साथ अटैच करते हैं। लेंस को क्लिप के साथ अटैच करने के लिए आपको लेंस को स्क्रू के जैसे घुमाना है। लेंस लगने के बाद हम इस क्लिप को खोलकर फोन के कैमरा से अटैच कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि फोन का कैमरा इस लेंस के बिल्कुल बीच में हो। तो लीजिए, फोन के कैमरे पर फिश आई लेंस लग चुका है और ये दिखने में काफी कूल लग रहा है। अब जब आप अपने फोन के कैमरा ऐप खोलेंगे तो आपको 180 डिग्री एंगल का व्यू मिलेगा, जो दिखने में ऐसा लगता है कि हम मछली की आंख से देख रहे हैं। इसीलिए इस लेंस का नाम फिश आई लेंस है। इस लेंस का यूज करके आप इस तरह की फोटोज ले सकते हैं। मैक्रो लेंस वाइड एंगल लेंस के साथ लगा हुआ है, क्योंकि वाइड एंगल लेंस इन दोनों लेंस को कंबाइन करके बनता है। सबसे पहले हम मैक्रो लेंस का यूज करके देखेंगे। तो मैक्रो लेंस को हम डिटैच कर लेते हैं। डिटैच करने के लिए आपको इन लेंस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद आप मैक्रो लेंस को क्लिप पर अटैच करके फोन के कैमरा के साथ यूज कर सकते हैं। अब मैक्रो लेंस फोन पर लग चुका है और कैमरा ऐप में आप देखेंगे तो आपको सब कुछ ब्लर दिखेगा। मैक्रो लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स देखने के लिए यूज होता है, तो आपको इस लेंस को ऑब्जेक्ट से सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है और उसके बाद आप कुछ इस तरह की डिटेल्ड फोटोज ले सकते हैं जो नॉर्मल कैमरा के लेंस से पॉसिबल नहीं है। ये वाली फोटो iPhone SE सेकंड जनरेशन के रियर कैमरा की नॉर्मल फोटो है और ये वाली फोटो मैक्रो लेंस के साथ ली गई है। मैक्रो लेंस वाली फोटो में आप इस पौधे पर लगे कीड़े भी बिल्कुल साफ और बड़े देख सकते हैं, जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं। ये इस लेंस के कुछ फोटो सैंपल्स है जो मैंने Pixel 4a और iPhone 2nd generation से लिए हैं। ये मैंने मैक्रो लेंस लगाकर iPhone SE के कैमरा से 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड की थी। वीडियो में आप हर एक डिटेल बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। अब हम वाइड एंगल लेंस को ट्राई करके देखेंगे। तो मैक्रो को वाइड एंगल लेंस से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा वाइड एंगल लेंस बन जाएगा। इसके बाद इसको हम क्लिप से कनेक्ट करके फोन से अटैच कर देंगे। वाइड एंगल लेंस फोन से अटैच होने के बाद आपको फोन के नॉर्मल कैमरा से इस लेंस में ज्यादा वाइड एंगल मिलेगा और आप फोटोज में ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये वाइड एंगल लेंस है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं है, जो आजकल के फोन्स में आता है। ये इस वाइड एंगल लेंस की कुछ फोटोज है। पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया मैक्रो लेंस लगा, क्योंकि मैक्रो लेंस का यूज़ करके आप फोटोज़ में वो डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं जो आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती। जो लेंस मैंने मंगाए हैं ये काफ़ी सस्ते हैं, 170 रुपये में आपको Amazon पर मिल जाएंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी लिंक दे रखी है, आप चाहें तो इन्हें अपने डिवाइस पर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके कमेंट्स और आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स लगाता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।